अच्छा जी, ये है वीक नंबर 10 और आज की क्लास है हमारी रिकर्सिव के ऊपर। तो अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन, रिकरियन क्या होती है ऐसे? नहीं, फंक्शन को दर्शाता रिकरियन क्या होती है? ऑकरेंस क्या होती है? रिपीट क्या होता है? ये सारे सिनोनिम्स वर्ड है ना, आपस में मैच है सारे। रिपीट जो चीज़ बार बार, जो बार बार काम एक ही सेम हो, रिपीटेशन कहते हैं उसको। रिकर्सिव से रिकरियन भी सेम चीज़ होती है। अगर आपने एक चीज़ बार बार करनी हो तो दैट्स रिकरिंग। अब लूप क्या होती है? लूप के अंदर हम एक चीज बार बार, ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम बार बार है। रन कर रहे हैं। आप एक काम करें, एक फंक्शन बनाएं, उसको एक लूप के अंदर रख दें। अब उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वो है। रिकर्सिव में ये होता है बेसिकली कि एक फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उसकी मिसाल देता हूँ। लेट्स से चलें, एक हमने सिंटेक्स पहले पढ़ा था फंक्शन, इसको मैं कह लेता हूँ कि कॉल मी। ये सिंटैक्स हमारा पढ़ने वाला, इसी को मैं अब एक एक और तरीके से लिखूंगा। ES6 का जो फॉर्मेट है उसमें पहुंच कॉल मी इज इक्वल टू ये वाला, ये हम पढ़ चुके हैं वाला, ठीक है? ये उसी वेरिएबल का फंक्शन का नाम है, इज इक्वल टू। ये बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं इनोनिमस इनोनिमस फंक्शन। और ये फंक्शन हमने समझ लें कि वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है, ठीक है? अब ये कॉल भी जब मैं कॉल करूंगा तो वही जो इनोनिमस फंक्शन है वो कॉल हो रहा है वाला, तो चीज़ वही है। इससे कोड थोड़ा सा लिखना आसान हो जाएगा वाला, तो मैं चीज वही है। चलें जी, ये मैं काट देता हूँ। तो अगर ये मैं कॉल मी को इसके अंदर रख दूंगा तो ये फंक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन दोबारा से कॉल करते जा रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। अब इसमें ये है, जिस तरह से मैंने पढ़ा था कि जो इनफिनिट लूप होती है, अगर मैं फॉर के अंदर जो है यहाँ पे ना कुछ, मैं ये फॉर लूप जो है इनफिनिट लूप है, चलती जाएगी हमेशा से। तो इसके अंदर अगर मैं ये लिख दूँ कंट्रोल डॉट लूप, हेलो, लेट से हम जो है आई ले लेते हैं यहाँ पर ताकि रिपीट करें। यहाँ मैं लिखता हूँ वार आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, अब ये इसको चला के देखते हैं जी। इसको चलाऊंगा फायरफॉक्स के अंदर ताकि अगर मुझे ये क्योंकि इनफिनिट लूप है तो ये वही मुझे बंद करना पड़ता है, मैं फायरफॉक्स बंद कर दूंगा तो हमारा सारा बैकग्राउंड चलता जाएगा। ठीक है जी, रिपीट होती आ रही है, ये कितनी दफा हो चुकी है? ठीक है, तो ये था इनफिनिट लूप। ये सेम चीज मैं अब इधर कहता हूँ, चलें जी। अब ये हमने कॉल भी कर दी है, इस कॉल को मैंने मुझे दोबारा, तो वही जो हमने ये जो 0 से शुरू किया था, मैं कंट्रोल डॉट लॉग इसमें ले लेता हूँ। अब ये फंक्शन कॉल मी एक पैरामीटर ले रहा है, इसको मैं कहता हूँ आईए वाला, और इसी आई को हमने आई प्लस प्लस करके तो इसके दे दिया। अब ये सेम चीज़ हम यहाँ दोबारा चलाते हैं जी वाली। अब ये असल में इसमें हैंग हुआ है क्योंकि पुराना प्रोसेसर भी बंद नहीं हुआ इसका। चलिए, बंद हो गया। शुरू करें जी। ये क्या रहा है? टू मच रिकरियन हुआ ये है। ये देखें इधर, ये चला सारा वाला। ये एक चीज देखते हैं कि ये जो है आई प्लस क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा क्यों नहीं प्लस हुआ? ये वाला, ये हेलो जो है, ये 1 2 3 आगे क्यों नहीं गया? सर मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे सर।
बाद में कहूंगा क्यों नहीं हुआ। असल में इसको हमने कॉल दोबारा सही नहीं किया, ये कॉन्स्टेंट है तो क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दोबारा में करना पड़ा। यार ये एक और चीज़ मैं अभी बता देता हूँ वाला, ये क्योंकि ये वीक 10 है, इसके अंदर मैं पहले बनाता हूँ लूप डॉट जी डॉट जी एस कंसोल लॉग है। इस फाइल का जो पाथ है इसको हम कर लेते हैं ओपन इन रिवील इन फाइंडर, ये फाइल पड़ी हुई है यहाँ से मैं नोड आगे फाइल का पाथ दूंगा तो ये फाइल वही पाथ चल रही वाली, ये चली है वाली, ठीक है जी। हर दफा ये जो है ये यहाँ से नोड से रन करना थोड़ा सा आसान है, ये देखिए 9,072 दफा चली फिर वहां के बंद हो गई है। अब असल में होता क्या है फंक्शन के अंदर और लूप में क्या फर्क है, फंक्शन थोड़ा स्लो भी है, ये नोट्स ये मैं रखता हूँ बेसिकली। होता ये है कि जब भी एक फंक्शन कॉल होता है ना तो असल में जो हमारा जो प्रोसेसर है जो चीज़ें रन कर रहा है वो एक टाइम एक ही काम, या जितने कोर होंगे वो एक और एक काम कर रहा होता है एक टाइम के अंदर। तो लेट से हमने ये सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा तो होगा ये कि वहाँ उसका एक होता है स्टैक, स्टैक एक काइंड ऑफ समझ लें रे है, और लेकिन इस रे की एक लिमिट है एक। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन का नाम, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं जो कि आई है, ये सारी चीज़ें अपने पास सेव कर लेगा वाला, मतलब ये फंक्शन कहेगा मैं कॉल किया मैंने वाला। तो इस फंक्शन के अंदर ये एक और फंक्शन कॉल हो गया तो यही अरे के अंदर वो एक और वैल्यू पुश कर देगा। अब ये जो नया फंक्शन कॉल हुआ है इसकी वैल्यू जो है वो इसका नाम वही है, और इसकी वैल्यू कौन सी है मैं यहाँ पर कहता हूँ, जब हमने पहली दफ़े से कॉल किया था 0 था, जब सेकेंड टाइम से हम कॉल करेंगे इसकी वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। जब 1 वैल्यू इसमें जाएगी ये फंक्शन कॉल होगा, ये कंट्रोलर लोग जो भी काम करेगा और फिर से फंक्शन कॉल हो गया वाला सेम वाला। तो ये एक और फंक्शन है ना इधर दे दिया वाला, अब इसकी वैल्यू जो है 2 हो चुकी है। अब जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी ना, वो लिमिट जितनी भी है वो लिमिट डिपेंड करता है ओएस के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेट से उसकी लिमिट इस वक्त जिसने दी हुई है 9,000 कॉल्स, यहाँ से नोट जैसे मैंने देख लिया उसकी उसकी लिमिट है 9,000 कॉल। जब 9,000 जितनी भी कॉल पूरी हो गई हैं उसके बाद जैसे हम कहते हैं स्टैक और ओवरफ्लो या एरर आ गया वाला, वो जो हमारा स्टैक था वो ओवरफ्लो हो गया। अगर आप गिलास में पानी डाल रहे हैं गिलास का फुल हो गया तो वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ये ओवरफ्लो हो गया, ठीक है जी। जो उसकी लिमिट से उसी चीज़ें आ जाएंगी तो वो बाहर बाकी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो इसको ये एरर बड़ा ही मशहूर है स्टैक ओवरफ्लो, और ये स्टैक और ओवरफ्लो एक वेबसाइट भी है भाई दादा, और ये कोडिंग ही से क्योंकि बड़ा कॉमन वर्ड है वाला स्टैक और ओवरफ्लो वाला, और ये अक्सर रहता है वाला। तो स्टैक और ओवरफ्लो जो है उन्होंने उसी से ये निकला हुआ है, ये वेबसाइट जो है उस एरर से उन्होंने जो है क्योंकि कॉमन एरर है मशहूर है, ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है एसईओ के लिए, और ये बड़ी पुरानी वेबसाइट है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब की वेबसाइट है, और आई थिंक हर हर बंदे को इस पर कॉमन रहना चाहिए। एनीवे अच्छा तो मुझे बताएं रिकर्सिव में और लूप में फर्क क्या हुआ जी, ये भी इनफिनिट लूप चल रही है और यहाँ भी इनफिनिट लूप चल रही है, ये दोनों चीज़ें सेम है वाली रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है। यू रिमेंबर लूप के अंदर हमेशा से हम यहाँ पे कंडीशन लगाते थे, पहला इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे कंडीशन आती थी और इस कंडीशन के मुताबिक हम इस लूप को करते थे ब्रेक। अगर मैं ऐसे कह दूं कि आई लेस देन 100 तो जब तक आई 100 से कम रहेगा तब तक ये चलता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा डालते हैं बोला इसको रन करते हैं, तो 99 पे आके जैसे 100 हुआ तो 100 लेस देन 100 यहाँ पे आके 100 लेस देन 100 ये कंडीशन पास हो जाएगी और यहाँ पे आके लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी। अच्छा अगर ये सेम चीज़ अब मैंने रिकर्सिव से करना हो तो यहाँ पे आते हैं जी, रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एक होती है इसकी बेस कंडीशन, जिस कंडीशन के मुताबिक हमने उस फंक्शन को करना होता है ब्रेक, ठीक है वो बेस कंडीशन हमने खुद लिखनी है वाली। यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन कौन सी है, इफ आई इक्वल इक्वल टू कम ऑन आई लेट्स इक्वल इक्वल चलिए शो कर लेते हैं जी, जैसे ही आई 100 के बराबर आ जाएगा तो ये हमारी बेस कंडीशन आ जाएगी और यहां से हम कर देंगे रिटर्न।
ठीक है जी, ये है हमारी बेस कंडीशन। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हमेशा से बेस कंडीशन होती है वाली। हम अभी इस क्लास के बाद हम कुछ प्रॉब्लम हल करेंगे और उसमें हम देखेंगे इनकी बेस कंडीशन क्या है इनकी। तीन चार मिसालें लेंगे, उनसे बेस कंडीशन समझ आ जाएगी। एंड देन फिर जब अपने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसके बाद अपनी बेस कंडीशन खुद जो है, हर प्रॉब्लम की बेस कंडीशन डिफरेंट होती है। तो हमने हमारा ये है कि हमने इसको शोधवा काल करना था। हमारी बेस कंडीशन जैसे ही सो पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ से डन कर देंगे। अच्छा, अदरवाइज जो है आई को हमने +1 किया, आई की जो नेचुरल वैल्यू 0 है तो +1 करके ये 1 हो जाएगी और हमने वो 1 इधर पास कर दिया। अच्छा, ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। 1 100 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन पास हो जाएगी तो रिटर्न नहीं होगा। ये कंडीशन पास इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा वो, ठीक है, आगे आ जाएगा। वो 1 लॉक करेगा, 1 को +1 करके 2 कर देगा और फिर कॉल में 2 दे देगा। तो इसको रन करते हैं जी। एक काम सेम हुआ है, 99 पे जाके जैसे 100 हुआ लूप से बाहर आ गया। तो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं जी, एक होती है उसकी बेस कंडीशन, एक उसकी होती है रिकर्सिव कॉल विद अपडेटेड वैल्यूज। तो ये हमने रिकर्सिव कॉल कर दी है जिसके अंदर हमने न्यू वैल्यू दी है। सो अगर आपको मैं कोड दूँ, हम बाद में करेंगे कि कोड जो हमने लूप से हल किया हुआ मसला, तो सेम मसला हम कहेंगे इसको रिकर्सिव फंक्शन से हल करो, ठीक है। कुछ कुछ मसाइल हम रिकर्सिव फंक्शन से हल करेंगे और ठीक है इसको अब इसको लूप में कन्वर्ट कर दो इस कोड को, ठीक है। तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूजली रिकर्सिव फंक्शन थोड़े से स्लो होते हैं कंपेयर टू लूप। उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ कि लूप के अंदर कोई वो स्टैक ओवरफ्लो वाली चीज़ नहीं है उधर, उधर कोई स्टैक नहीं। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है उस फंक्शन का नाम, उसके आर्गूमेंट सारे एक स्टैक में जाते हैं। और उस फंक्शन में जब कोई और फंक्शन कॉल होगा तो इसको इसी का कॉन्टेक्स्ट स्विच भी इसी से निकला है। जैसे क्योंकि एक प्रोसेसर एक फंक्शन रन कर रहा है अभी, जैसे कोई नया फंक्शन उसे रन करना होगा तो पुराना फंक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा था ना, वो जब तक वो रिटर्न नहीं होगा तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है जी। तो उस फंक्शन को वो अपने स्टैक में मूव कर देगा और अगला फंक्शन जो उसने एग्जीक्यूट करना शुरू करना शुरू कर देगा। अभी अगर इस स्टैक पे जाए तो उसकी कुछ जो है शेप कुछ इस तरह की बनेगी। ये है जी हमारा स्टैक। जब हमने पहली दफा फंक्शन कॉल किया तो कहेगा इसकी जो है कॉल में और इसकी वैल्यू जाएगी 0। एंड पे इसकी रिटर्न वैल्यू लेट से यहाँ पे सेव है जी, जो कि यहाँ पे अभी है नहीं। अच्छा जी, अभी रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी इसलिए इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ कि अभी रिटर्न वैल्यू कोई नहीं इसकी आएगी। तो ये हमने कॉल किया, ये कॉल में स्टैक में चला गया। अब इस कॉल में स्टैक में चलते हैं जी। ये स्क्रीन चेक होगी, कुछ नहीं हुआ, ये जो भी उसने काम करना है करेगा वो। एंड पे जाके हमने कॉल मेक दोबारा कॉल कर दी। अब यहाँ पे कॉल मेक की वैल्यू जो है 1 आ गई और इसकी भी अभी तक रिटर्न वैल्यू कोई नहीं है इस फंक्शन की। चलते जाए ये चलता जाएगा 98 तक, 99 तक। जैसे ही अच्छा जैसे ही 99 आएगा, 99 कॉल करेगा 100 को, 100 के ऊपर ये बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ से टर्न होएगा। अब ये जो वैल्यू हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं ना वाली, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू से मैं टर्न आई करके यहाँ से, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू जो है कि आई वैल्यू 0 है तो यहाँ से 100 रिटर्न हो जाएगा। जब ये 100 रिटर्न होएगा तो अब स्टैक ने जाना है वापस जो उसके प्रीवियस कलर था, उसका प्रीवियस कलर है 99, ठीक है जी। तो अब 99 के ऊपर जो है जो जो भी वैल्यू के हम यहाँ पे आई की वैल्यू 99 थी तो इसकी वैल्यू 99 यहाँ से टर्न हो जाएगी। तो स्टैक में ऐसे होता है वाला। अब इसकी स्टैक की लिमिट है, जैसे वो लिमिट पूरी हो जाएगी स्टैक से ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो अगर ये स्टैक की हल्की समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। असल भाई सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। बड़ी हाँ काले सुनाए भाई, कैसे हैं? बड़ी काल मिस कर क्लास मिस कर दी है आपने। अभी अभी हमारे बंदे यहाँ पे रेडी हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर दिया। सर मेरा फोन खराब हो गया था, उसके बाद जब फोन ने आ दिया तो FBI ने मेरी सिमें बंद कर दी थी, तो माशाल्लाह सही हो गया। वाइवा था मेरा 26 को, वाइवा हो गया मेरा अब। अच्छा जी तो अब इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं अपना जो रह गया मैं सारा कवर करता हूँ इंशाल्लाह इस वीक के अंदर अंदर। ठीक हो गया, चले जी ठीक हो गया। हाँ जी एनीवे ये जी हमारी हाँ ये हमारी वेबसाइट बन रही है। बड़ी प्यारी चीज़ें इसके अंदर हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। आप अपने भी यहाँ पे जो है सेंड करें आपके जो रिपोजिटरी जो आपने काम किया, ताकि लोग आपका भी काम चेक कर सकें। दीपा जाइए इसके अंदर से, इसके काम चेक करें क्या किया इसने। हाँ जी दीपा, आपने बड़ी क्लासेस मिस की हैं मुझे मरी टिका के। जी
मिस की है, मुझसे एक मिस हो गई थी जिसमें मुझे पता नहीं चला था कि क्लास हो रही है, उसके बाद आपने ऑनलाइन देना ही छोड़ दिया और उसके बाद आज हुई है क्लास। हमारा भी कसूर है कुछ, ठीक है। असल में नेट के बड़े इशू थे, तो हम भी क्लासेस होती जा रही हैं, इसीलिए और क्लासेस सारी की सारी, अगर ये कोडवेज वेबसाइट पे जाएं तो सारे सारी क्लासेस, उनके असाइनमेंट जो जो मिला था, जो वीडियो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं इस वेबसाइट के ऊपर। एनीवे जी, हम कंटिन्यू करते हैं जी। सो ओके कंटिन्यू करते हैं। सो रिकर्सिव फंक्शन जो है, इट कॉल इट सेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। रिकर्सिव अलो यू टू राइट अ सिंपल एंड एलिगेंट कोड। ये छोड़ते हैं इसको। इस रिकर्सिव फंक्शन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक इसका बेस केस होता है जिसके अंदर हम उसको रन करते हैं। बेस केस के अंदर हमेशा से हम उस रिकर्सिव को ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है जी। अगर ये बेस केस ही नहीं होगा तो रिकर्सिव और इनफिनिट लूप और ये इनफिनिट फंक्शन कॉल में कोई फर्क नहीं। वो इनफिनिट हमेशा जब भी आता तब ब्रेक ही आती है, तो बेस केस लाजमी है। एंड सेकेंड है रिकर्सिव केस, जिसके अंदर हम सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे, और कॉल करते हुए हो सकता है कि हम जो है उसकी जो जो बेस जो आर्गुमेंट आए थे उन आर्गुमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करें उनको। इसकी मिसाल पे आते हैं जी। अब यहाँ पे एक्चुअल जो है एक्चुअल मिसालें शुरू आ गई हैं। पहला है मिसाल जी फैक्टोरियल की। अब फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी जो नंबर है उसको -1 करके उसे मल्टीप्लाई कर दें, जो अगला नंबर आएगा उसको -1 करके उसे मल्टीप्लाई कर दें, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। 1 आ जाएगा तो 1 इज अ बेस कंडीशन, ठीक है जी। जब से 1 आएगा तो हम वहाँ पे रिकर्सिव को ब्रेक कर देंगे। और एक और चीज़ है, रिकर्स जो 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा से 1 होता है। तो अगर मैं करूँ 0, नोट्स ही हैं, ठीक है जी। सो 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 आएगा। मैथ के अंदर ये जो सिंबल है, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं हमारा, ठीक है जी। तो अगर हमें 5 का फैक्टोरियल लेना है, दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा, 4 क्या चीज़ है बाय द वे? 4 है 5 -1, ठीक है। 4 से आएगा, 4 के बाद आएगा 3। 3 क्या वाला? ठीक, 4 -1 3 है, 3 is 4 -1। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ ना एक्स का फैक्टोरियल दो मुझे, तो ये आएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन। तब तक ये चीज़ हमने रिपीट करनी है जब तक एक्स 1 या 0 नहीं हो जाता, ठीक है जी। तो बेस कंडीशन हमारी ये होगी, इसको कहते हैं जी इम्प्लीमेंट, ये लूप के अंदर ही। यहाँ पे नंबर आ रहा होगा भाई। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बेस कंडीशन लिखूंगा, इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 0 या नंबर इक्वल टू 1, तो रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि हम बात कर चुके हैं 0 और 1 का फैक्टोरियल इज 1। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, वही नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे जो छोटा नंबर उसके फैक्टोरियल के साथ, ठीक है जी। तो अभी नंबर -1 कर दिया, तो अगर मैं इसको कॉल करूं विद 5 तो चीज वही आएगी। 5 से कॉल करेंगे ना तो ये क्या करेगा, अब एक काम करें, अब वेब पढ़ रहे हैं हम, हमने वेब एचटीएमएल सब कुछ पढ़ ली हुई है, तो इसको ग्राफिकली इस सब चीज़ों को ना ग्राफिक की कोशिश करें, एंड्रॉय वाला। तो कैसे रेंडर होगा, आपका पास जो है एक डिव है, डिव के अंदर जो है लेट्स से आपने जो भी करंट नंबर है उसके साथ आपने ये जो है एचटीएमएल अपने जावास्क्रिप्ट से रन टाइम पे जनरेट करने ही वाली, ये अपनी एक डिव होगी, इसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट से न्यू एलिमेंट क्रिएट कर करके इसके अंदर रखने, वो हम आज ही क्लास के अंदर जो है नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो यही है तकरीबन। वो हम वेब पेज नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन वो उसके अंदर हमने क्लियर करना है कॉल बैक्स, इवेंट कैसे रजिस्टर होते हैं, उस पर कॉल बैक कैसे आती है वाली। लेकिन आप जब भी कोई फंक्शन, स्पेशली जब कोई एल्गोरिथम कोई कर रहे हो, तो उसको ना कोशिश किया करें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें, उससे एक तो होता है कि आपको ये दिमाग में पक्की चीज़ बैठ जाएगी, ये बाहर नहीं निकलेगी, वो सेकंड समझ ही आ जाएगी वाली। सो अगर ये करना है, इसको मैंने 5 से किया कॉल, यहाँ पे जरूर दे दें, लिख दें कोई वाला, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये आ जाएगा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि 5, उसके बाद यहाँ यहाँ लिख दें 5, यहाँ लिख दें, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा इसका, एनी वे कुछ कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाला, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट जो भी आएगा एक्स वाला। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर चला गया वाला, इसी के अंदर यहाँ पर मैं डिव के अंदर इस जगह बैठा उसमें
एंटर करूँ जो है, ये जो मेरी पेरेंट डिवाइस इसके अंदर जो है ये ऐड करता जाऊंगा मैं उसे। असल में मैंने ये कह दे रहा हूँ फैक्ट नंबर वन आके चला जाएगा, लेकिन दिमाग क्योंकि नज़र नहीं आ रही चीज़ें वाली पैकेट में रन हो रही है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। जब आपको ये यूआई भी जनरेट हो जाएगी खुद ही, ये फंक्शन कॉल करेंगे से यूआई जनरेट होगी ना सारी की सारी, तो बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। अब इसको करते हैं जी रन। हम मसला ये है कि हमने कंसोल से कुछ नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बल्कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये हमारा नंबर है और इसके अंदर ये असल में कोड रन हो जाएगा जो कि मैं रन नहीं करना चाह रहा। इसमें मैं लिखूंगा नंबर माइनस वन। यार ये सिंटैक्स का पता ना, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। आई होप सभी को इस सिंटैक्स का पता है। एनीवे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोस्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, और एंड में मैं कंसोल लिख दूंगा रिजल्ट इज। अच्छा ओके जी, 5 था, 5 को उसने 4 से कर दिए, 4 को उसने 3 से कर दिए, 3 को उसने 2 से कर दिए, उसने ये कर दिया है, और 5 फैक्टोरियल इज 120। तो ये फंक्शन हमने, अब ये प्रॉब्लम हमने यूजिंग फैक्टोरियल हल की है। इस सेम चीज को अगर हम लूप से करें तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 या 1 कह लें, चलो जी 1 कह लेते हैं जी, आई लेस इक्वल टू 5, कम ऑन। यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ मैं करूंगा रिजल्ट रिजल्ट कॉन्स्ट है ऊपर, मैं इसे ये कर देता हूँ जी रिजल्ट इज इक्वल टू 1, यहाँ मैं करूंगा आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय जो भी आई होगा, ठीक है जी। और यहाँ भी सेम चीज मैं कर देता हूँ कि आई इज इक्वल टू, अब मैंने ये वाला आर देना है। जैसे हम 5 तक जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अब ये कर रही है थोड़ा सा रिवर्स है उसे, ये वन कॉम्प्लीमेंट 2 के साथ, 2 को 3 से, 4 से, 5 से, और जो भी रिजल्ट आता जाएगा इसमें आर में सेव करता जा रहा है, पुराने आर को मल्टीप्लाई करते हुए आर के नंबर के साथ और आर में सेव करता जा रहा है। चीज यहाँ भी सेम हो रही है, चले तो ये लूप से रिकर्सिव हो, लूप से हम फाइंड कर रहे हैं किसी नंबर का फैक्टोरियल, और ये हम रिकर्सिव से कर रहे हैं। रिकर्सिव अगर मैं ये चीज़ें निकाल दूँ, रिकर्सिव का कोड थोड़ा सा इनिशियली कॉम्प्लिकेट लगता है। यहाँ पे लूप आई का इनिशियल नंबर 1 क्यों था, ऊपर ये क्यों नंबर इनिशलाइज किया, ये क्या हो रहा है, इसमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बल्कि फैक्टोरियल में अगर रिकर्सिव समझ आ जाए तो इसमें एक बेस कंडीशन है और एक एक जो है रिकर्सिव कंडीशन है, यहाँ से बड़ा बड़ा ही आसान हो जाता है अगर आपको समझ आ जाए तो। एनी क्वेश्चन सो फार? हमें हाँ बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम हैं जो सॉल्व ही रिकर्सिव से होती हैं, वो मैं जब मिसाल में आऊंगा ना आगे थोड़ा सा आगे जाके, यहाँ रिकर्सिव से बहुत ही आसान हो जाती हैं, लूप से बड़ी मुश्किल होती हैं वाली। आगे थोड़ी मिसालें हैं इसके अंदर, मैं आता हूँ। इसकी एक सर एग्जांपल मैं देता था अपने स्टूडेंट्स को रिकर्सिव फंक्शन की, कि वो हम बचपन में एक ऐसे मतलब शरारत करते होते हैं बच्चे, कि कोई बिल्ली हो या कुत्ते का बच्चा हो तो उसकी पूंछ के साथ बांध के उसको किसी दरख्त के गिर्द जो है ना घुमा देते हैं, तो अपनी ही पूंछ को पकड़ता रहता है। तो इसमें फंक्शन जो होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा होता है, तो वो खुद को कॉल कर रहा होता है अनटिल के वो हमारी जो रिजल्ट है वो वहां तक पहुंच नहीं जाता। ठीक हो गया, वैसे कुत्ता का भी अपनी दुम पकड़ नहीं सकता, हाँ हम वाली कोशिश करते रहे तो वो उस बेस कंडीशन ये कैसे समझाएंगे ये वाली। हाँ जी, वो तो नहीं होगा, लेकिन वो होता इस तरह से है, रिकर्सिव फंक्शन जो है ना इस तरह से होता है कि वो खुद को पकड़ता है अंदर से, चलिए मैंने कभी सोचा नहीं था, असल में आप टीचर हैं आप फंक्शन के अंदर खुद फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ठीक हो गया, समझाने के अच्छे 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 मिसाल है वाली। चले नेक्स्ट, एक फिबोनाची सीक्वेंस है, ये बड़ी मशहूर सीक्वेंस है वाली, ये बड़ी बड़ी जगह पे इस्तेमाल भी होती है वाली, लेकिन इसको भी रिकर्सिव से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली होती है ये वाली है, इसके इसमें होता ये है कि जो जितनी भी सीक्वेंस या सीरीज होती है वो बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर होती है ना। अब ये जो है 1 2 3 4 ये भी सीरीज है वाली, इस सीरीज में क्या हो रहा है,
ये जो जो भी नंबर होगा अगला, वो पुराने नंबर के साथ प्लस वन कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर हम, मैं ऐसे पूछूं कि अगला एक्स क्या होगा, तो वो दैट विल बी जो पुराना एक्स था उसमें प्लस वन कर दें, ठीक है, यही होगा वाला। फाइबर की सीरीज में क्या होता है, ये इसके जो पुराने दो नंबर होते हैं ना, अब इस अगले इस अगर मैं इसे पूछूं इसका अगला नंबर क्या होगा, तो उसमें जो पुराने दो नंबर उनको जमा करके तो वो उसका अगला नंबर बन जाएगा। तो पुराने दो जमा करें थे, क्या बन जाएगा, नाइन। तो उससे अगला क्या होगा, 14, क्योंकि हमने पिछले दो को जमा करना है, ठीक है जी। तो अब इसमें एक स्टार्ट कंडीशन होती है, स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर हमेशा से 0 और 1 होता है वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा उससे, नेक्स्ट नेक्स्ट फाइव फाइव। फाइव। अब 8 आएगा, ओके जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइबर की सीरीज नंबर करें जब तक कि नंबर 50 ना आ जाए, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से करते हैं इसको, मैंने रन नहीं करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारा कुछ बता दूँ आपको। बल्कि कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, यहीं भी देख लेते हैं हमें क्या जैसे करने की। ये है फाइबर की नंबर, इसमें जब नंबर 1 से नीचे होएगा तो ये इसका बेस केस है, यहाँ से वो रन कर देगा वो, ठीक है जी, क्योंकि उसे पीछे नहीं, इसने आगे जाना वाला। अदरवाइज जो भी नंबर होगा उसको -1 करें और -2 कर दें, उन दोनों को जमा कर दें, तो वो सब फाइबर की नंबर आ जाएगा। तो ये फंक्शन है जी, इसको अब हम रन करते हैं। एक काम करते हैं, वैसे आप भी ना यहाँ पे एक हर एक फाइल के अंदर एक और फाइल बना लिखे जिसका नाम हो रन डॉट js, ताकि हम कोड वो प्रमूव करते जाए इसको। ये फाइल रन करते हैं जी, अच्छा इसने फाइनल के नंबर जनरेट किया है। उसने कहा कि अगर मेरा करंट नंबर 6 हो तो अगला नंबर कौन सा होगा, ये किया क्या किया उसने, देख लेते हैं यहाँ पे। nth फैब्रिक सीरीज क्या है, ठीक है जी, दैट मीन क्योंकि अगर 6th जो फैब्रिक का नंबर है वो कौन सा होगा, वो 8 होगा, देख लेते हैं 8 ही है, देख लेते हैं यहाँ से देख लेंगे। हमारा 0 है, 1 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद 5 है और 8 है, तो छठा नंबर हमारा 8 होगा, ठीक है जी। तो अगर हमने नंबर फाइंड करना है उससे, तो ये है जी। अब नंबर हमने जनरेट करने हैं जी, तब तक कहाँ तक जनरेट करने हैं, जब तक जो है लेट्स से 50 ना हो जाए, तो इसको मैं बल्कि जेन फेब्रुअरी कह देता हूँ, ठीक है जी। लेकिन इसको हम दो नंबर देंगे, हमारा एक N1 आएगा और एक हमारा N2 होगा, और हमने जनरेट कहाँ तक करनी है, जब तक हमारा मैक्स नंबर नहीं आ जाता, ठीक है जी। जब तक हमारा मैक्स नंबर नहीं आ जाता, अब हम देखेंगे ये कि इफ N1 और N+2 मैक्स से ज्यादा हो गया तो यहां पे आके हम रन कर देंगे। यहाँ मसला ये, हमें दो नंबर रन करने हैं। चलो मैं नंबर 1 और नंबर 2 रन कर देता हूँ यहाँ से आगे, और बस कर दे। अच्छा अदरवाइज हम क्या करेंगे जी, के अब हमारा ये देखें, दिस इज अवर N2 और नेक्स्ट सीरीज के अंदर ये N1 बन जाएगा ना, हम आगे जा रहे हैं, तो ये हमारा N1, ये हमारा N1 बन जाएगा, और इससे अगला नंबर फाइंड करना हो तो N1 N2 को इसमें जमा कर दिया, तो ये है जी फाइबर की नंबर सीरीज वाली। अब इसको हम कॉल करते हैं जिसको, हमारी पहली वाली 0 आएगी, अगली वाली 1 आएगी, और हम करते हैं इसको तब तक रन कर जब तक ये 50 नहीं आ जाता। यहाँ मैं ये दोनों नंबर जो है पीवी प्लस है, ये नहीं 50 तो आएगा नहीं फिबोनाची नंबर में, 50 नहीं आएगा, इसलिए हमने कहा ना जब तक 50 ना आ जाए, 50 से छोटा जो भी है नंबर आएगा, लेस देन। ठीक है ठीक है, 32 या पता नहीं कौन सा आएगा, देख लेते हैं, 34 है, 34 से जो नेक्स्ट नंबर है वो 50 से बड़ा है, तो फाइबर की सीरीज साहब वहां से आके ब्रेक कर गई वहां पे आके। अब यहाँ पे उसने एक एक चीज की है, ये वाली
इसको हम कहते हैं स्प्लैट ऑपरेटर। ये बेसिकली करता ये है, जो भी वैल्यू पहली आएगी उसको स्प्लैट करके अरे में पुश करता जाएगा। इसके इसके अरे के लिए क्या नाम है, इसके बड़े यूजेज हैं, और स्प्लैट ऑपरेटर हमने पढ़ा नहीं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, इसकी बड़ी इस्तेमाल होती है वाली। अब ये लूप से भी हो जाएगा आसानी से। इसमें क्या कर रहा है वो, उसने एक सर्कल ड्रा किया, उस सर्कल का रेडियस को हाफ करके एक और सर्कल ड्रा कर दिए, उसके रेडियस को हाफ करके एक और सर्कल ड्रा कर दिए, जब तक रेडियस सब जो है वो हाफ होते जा रहे हैं, ये ड्रा होता जा रहा है। तो इसके कोड में आते हैं, और यहाँ से मैं असल में ग्राफिक, क्योंकि हमने एक्चुअली में गेमिंग करनी है, तो इसे ग्राफिक कोड से पढ़ लेते हैं कैसे ड्रा हो रही है वाली।